हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि मुखर्जी नगर के वीडियो में हमेशा बनाता रहता हूँ, चाहे बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, चाहे गर्मी पड़े, आपके लिए वीडियो कंटिन्यू आता रहता है। आज हमारे साथ में एक और दोस्त हैं और ये भी पटना से हैं, और पटना के दोस्त हमें भर भर के कमेंट करते हैं कि हमारे बिहार के स्टूडेंट के साथ सबसे ज़्यादा वीडियो बनाइए। तो मैं बिल्कुल बनाऊँगा आपके लिए और बना भी रहा हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आखिर इतनी दूर आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? जी, मेरा नाम विकास कुमार यादव हुआ। मैं यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर आने का मेरा यही मकसद है कि यहाँ पर माहौल भी बढ़िया है। खैर, माहौल मैटर करता है हर एक जगह। वहाँ पर तो करने के लिए इलाहाबाद भी होता है, कराता है, सब पटना भी होता है, मगर वो उस सब की अपेक्षा यहाँ पर यूपीएससी का माहौल अलग है। सब किसी कुछ का माहौल अलग अलग होता है। यहाँ पे आपको कितना टाइम हुआ है अभी आए हुए? जी हाँ, मुझे तो अभी 16 दिन हुआ है आए हुए। ग्रेजुएशन करके आए हैं क्या आप भी पहले ही आ गए? नहीं, ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है मेरा ग्रेजुएशन। कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं टोडिली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, हिंदी मीडियम के? हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, मुखर्जी नगर में आप आए हैं तो आप कोई सा ना कोई सा कोचिंग जरूर ज्वाइन करेंगे, तो क्या अभी आपने कोई सा कोचिंग ज्वाइन किया है? जी अभी नहीं ज्वाइन किया है, मतलब ज्वाइन करने वाले हैं दृष्टि ज्वाइन करेंगे हम। अच्छा, दृष्टि ही क्यों ज्वाइन करेंगे? मुझे अच्छा लगा दृष्टि ज्वाइन, इसलिए मैं कर रहा हूँ। दृष्टि में क्या अच्छा लगा आपको? मुझे वहाँ का सब कुछ, वहाँ का अच्छा टीचर वगैरह भी अच्छा रहा, वहाँ का डिसिप्लिन भी बहुत बढ़िया लगा मुझे और सबके अपेक्षा। विकास देवी कीर्ति सर को आप देखते हो क्या, सुनते हो, पढ़ते हो उनको? जी हाँ जी हाँ, मैं उन्हीं का वीडियो देख कर यहाँ पर आया हूँ। विकास देवी कीर्ति सर यूपीएससी की तैयारी कराने वाले एक बहुत ही अच्छे टीचर माने जाते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं। जी वहीं उन्हीं का देख कर यहाँ पर मैं आया हूँ, क्योंकि मैंने मेरे आने का मकसद यही है कि मैंने उन्हीं का वीडियो देख कर, वो बोलते हैं कि आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से यूपीएससी की तैयारी कर दो, तो वहीं मैंने किया। बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर आप थीपड़ी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, अगर न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़ो और राइटिंग प्रैक्टिस करो, वो सब काम मैंने कर लिया। और बोलते हैं सेकेंड ईयर में आप आओ तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, जो ग्रेजुएशन फाइनल होगा उधर यही फाइनल होगा, यूपीएससी का कोचिंग फाइनल होगा। विकास विकृति सर से आप अभी मिले हैं या फिर एडमिशन के बाद मिलेंगे, पहले मिले या नहीं? नहीं, उनसे अभी नहीं मिले हैं, कोचिंग में उनके गए हैं। यहाँ पे जब आप उनके कोचिंग में गए थे तो उन्होंने कुछ फीस वगैरह बताई आपको, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कितनी आपको जमा करानी होगी? कब गए थे आप, कितने दिन पहले? लगभग हम तो आए थे 3 माह पहले तक गए थे, तो उनका ऐसी बतलाई इंक्वायरी लेने उसमें गए तो बोले जी 2,08,000 इंस्टॉलमेंट में होगा, अगर ऐसी गोटा देना होगा तो 1,98,000 देना होगा। अच्छा, पटना के स्टूडेंट आज आपको कहीं इधर देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे, मुखर्जी नगर और पटना में अलग क्या लगता है आपको? जी हाँ, मैं तो पटना में नहीं रहा हूँ, मगर सुना हूँ कि वहाँ पर इसका बढ़िया से ऐसी नहीं हो पाता है, माहौल नहीं मिल पाता है, यहाँ का अपेक्षा वहाँ का माहौल सही नहीं है। अच्छा, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो किसान है, मम्मी हाउसवाइफ है। और आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं? जी मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं विकास साहब, क्योंकि और भी नौकरियां हैं लेकिन आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं, और कहां से आपको पता चला था कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आईएएस बनेंगे? देखिए, मेरा तो पर सबसे पहले कि मेरा ड्रीम था कि डिफेंस लाइन में जाने का, तो मैंने मेरे भैया हैं, बड़े पापा का बेटा आर्मी में अभी टेक्निकल है, तो वहीं बोले जी ठीक है उसमें जब तुम भी चलो, तो मैंने कुछ दिन 2 माह तक दौड़ भी किया। वैसे में मैं फुटबॉल का खिलाड़ी भी हूँ। अच्छा, खिलाड़ी भी? आप स्टेट लेवल पे खेले हैं या फिर? स्टेट लेवल पर नहीं खेल पाया हूँ, मुझे नहीं मौका मिल पाया वहाँ तक जाने का, पापा मेरे नहीं जाने दिए, तो वही मेरे भैया बोले जी ठीक है तू जाओ वहाँ दौड़ो ओड़ो तुम्हारा हो जाएगा फुटबॉल। तो मैंने दौड़ा तो मेरे देखा तो मेरा हाथ है जो थोड़ा टेढ़ा है। अच्छा, टेढ़ा है, कौन सा वाला? ये वाला हाथ थोड़ा भाजा हुआ है। ये मतलब कैसे हुआ, तो बचपन से ही है या? जी कबड्डी खेल रहे थे तो उसी में गिर गए, तो मम्मी पापा से नहीं बतलाए ऐसी को करा के, बस बाद में अब दिक्कत हो गया। तो वहीं दिखाए तो कितना लोग बोला है कि ये नहीं हो पाएगा, तो उसी समय मैंने छोड़ दिया और छोड़कर मेरे ऊपर ऐसी सवार हो गया यूपीएससी का, ऐसी ये मेरे लिए यही सबसे बढ़िया है। दोस्तों, अगर बचपन में हमारे साथ में कोई भी दिक्कत होती है जाने अनजाने में, तो अपने घर वालों को ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो आप इलाज नहीं करवा पाएंगे, फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऐसा ही हुआ ना? जी जी जी, आज उसी की ऐसी है कि आज हम पछता रहे हैं।
तो यहाँ पे आपके ऊपर यूपीएससी का भूत सवार हो गया, किसान का बेटा बनेगा आईपीएस, और विकास दिव्य कीर्ति सर के ये बहुत बड़े फैन हैं और उनको देखकर ही मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं जी जी एक एक और ये थी कि मेरे पापा भी उसमें जाने के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, क्या है कि मैं अकेला हूँ, भाई बहन में मैं अकेला हूँ, तो वही बोले जी नहीं उसमें मत जाओ, अकेला होता है तू। अच्छा आप अकेले होते हो, भाई बहन नहीं है आपकी? नहीं 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 भाई है ना बहन है, आप अकेले हैं? जी जी दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपने एक परिवार में इकलौते हैं और मुखर्जी नगर आ गए हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर के स्टूडेंट अब ये बनेंगे कुछ दिनों में। तो क्या अभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी? जी अभी तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, दो बार कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरा का बार का टेंथ का यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छा ये एक जुनून जज्बा ये बिहार के छात्रों के अंदर आता कहाँ से है? वो लोग कहते हैं कि हमारे खून में ही लिखा है यूपीएससी की तैयारी करना, एसएससी की तैयारी करना, सरकारी नौकरियों की तैयारी करना, ये उनके अंदर कहाँ से आता है इतना, मतलब उनके खून में कौन डालता है? जी हाँ ये तो बात सही है कि हम लोग अपने मम्मी पापा को ये सब देख कर ऐसी करते हैं, हम लोग जो मम्मी पापा हैं हम हमारे तो वहाँ से हम लोग गरीब फैमिली से हैं, मम्मी पापा का मेहनत होना देखते हैं हम लोग, रात दिन मम्मी पापा मेहनत करते हैं तो हम लोग को भी अंदर जुनून जागता है कि कुछ करना है तो करना है, मम्मी पापा को सुख का जिंदगी हम लोग अपने एथी में हम लोग एथी करेंगे, इसलिए हम लोग का ऊपर सवार होता है आए, चूँकि हम लोग में मेहनत करने का भी एथी होता है। दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि बिहार के सबसे ज़्यादा छात्र आईएएस आईपीएस तो बनते ही हैं, ये सबको बताया, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो लोग वहाँ की कंडीशन जब देखते हैं ना कि कितनी गरीबी है और फिर वहाँ पे लोग कितनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और वो चाहते हैं बिहार को बदलना, इसलिए शायद हमेशा सरकारी नौकरी की तैयारी में छात्र जो है पूरी लगन के साथ लगे रहते हैं। और कई अध्यापकों को मैंने देखा जैसे एसके झा सर वो नदी के किनारे पढ़ाते हैं, कभी कभी रेलवे स्टेशन पे कई अध्यापकों को देखा है पढ़ाते हैं, तो ऐसे अध्यापक भी काफ़ी अच्छा पटना में काम कर रहे हैं और छात्र भी काफ़ी लगनशील और मेहनत वाले वहाँ पे होते हैं, उनके अंदर एक जज्बा जुनून साहस हिम्मत होती है कुछ कर दिखाने की। यहाँ पे आप इस रूम में रहते हैं शेयरिंग में, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट लेंगे आप? जी मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य रहेगा। हिंदी साहित्य ही क्यों रहेगा? मुझे उसमें बचपन से रुचि है, उसमें मुझे और सब सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा बचपन से लेकर मुझे आज तक नंबर भी बढ़िया आया है। फर्स्ट अटैम्प्ट कब देंगे आप? मैं 2025 में दूंगा, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट देने का तो ये थी 2024 में, मगर मेरा जन्म नहीं यदि हुआ है उतना। अच्छा, 21 साल के नहीं हुए पाए? जी जी 21 साढ़े 20 के हो जाएंगे, तो कल मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी गया था तो उन्होंने बोला कि आप 21 में नहीं दे सकते हैं। 2021 में नहीं दे सकते? नहीं नहीं दो बोले कि 2024 में आप नहीं दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 21 साल के बाद ही आप जो है, अगर आप 21 साल के हो जाएंगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे पाएंगे, वरना आप नहीं दे पाएंगे, है ना? जी जी मैंने यहाँ पर तो सोच के आया था कि इधर मेरा ग्रेजुएशन फाइनल होगा और उधर यूपीएससी मेरे फाइनल किसी ना किसी तरह। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे, अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई आपकी हो पा रही है या नहीं? जी मम्मी पापा को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अच्छे से यहाँ हूँ और अच्छे से मेरा पढ़ाई चल रहा है, मैं अपना पूरा जान लगा दिया हूँ पढ़ाई में। पूरा जान लगा देंगे करके ही मरेंगे? हाँ हाँ। आपके कोई दोस्त वगैरह थे बचपन में वहाँ के जहाँ पर रहते थे, कोई ऐसे दोस्त जो आपके साथ रहे हों, कभी उनकी याद नहीं आती? जी है दोस्त तो सब बहुत सारा है, मेरा फुटबॉल का प्लेयर हम उसमें कप्तान भी रह चुके हैं, बहुत सारा है याद आता है, तो उन सबको तो भूलना, कुछ करने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। आप कप्तान भी रह चुके हैं? जी 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 फुटबॉल में जी कैप्टन भी रह चुका हूँ। स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में? स्कूल वगैरह में। कौन सा स्कूल था आपका? वहाँ पर मेरा प्राइमरी स्कूल था। ओके तो दोस्तों ये है किसान के बेटे बनना चाहते हैं आईएएस, मुखर्जी नगर आ चुके हैं और पीजी में किस तरीके से बिहार के स्टूडेंट रहते हैं आकर के, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इनकी यहाँ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में इन्होंने कुछ हाईलाइट किया है, इनसे ही पूछेंगे कि किस तरीके से इन्होंने किया है और क्यों किया है। बाकी का आपका पसंदीदा आईएएस आईपीएस कौन था जिसको आप पसंद करते हो? मेरा आईएएस तो पसंदीदा आईएएस है रवि कुमार सियाग सर, जो हिंदी मीडियम के टॉपर रहे, टीन रैंक वाले रवि कुमार सियाग। जी 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 अच्छा उनसे कुछ मोटिवेशन मिलता है? जी उनसे बहुत मोटिवेट मिलता है।
उनसे तो यही मोटिवेट मिला कि बहुत सारे लोग बोलते थे पहले कि हिंदी मीडियम वालों को ये नहीं होगा या वा, मगर वो करके दिखा दिए हैं हम लोग को, हमारे जैसे बहुत ऐसे छात्र के अंदर जुनून जगा दिए हैं कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने अभी अपने नोट्स तो नहीं बनाए लेकिन NCERT रीड कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये अपने कलर वगैरह क्यों करते हैं आप? ये तो कलर करते हैं कि मेन टॉपिक है वो, उसी को टॉप यदि करते हैं ताकि दूसरा बार खुले तो मुझे लौके वहीं। ओके, आगे दिखाइए, क्या आगे भी आपने किया है? जी आगे भी मैंने किया है। दिखाइए, जैसे यहाँ पे चित्र 1.3 है, यहाँ पे 2.1 कृषि प्रौद्योगिकी है। ये आपने जो हेडिंग है ये कलरफुल क्यों कर रखी है? नक्शे के अंदर भी कहीं कहीं किया है आपने? जी ये मेन टॉपिक है इसीलिए मैंने अच्छी किया है। आगे दिखाइए, अभी लगभग आप कितनी किताबें NCERT में पढ़ चुके हैं? मुझे एक तो टोटल मैंने 6 से 12 तक 38 है, जिसमें मैंने एक बार पढ़ा है, दूसरा भी बार पढ़ लिया है, तीसरा बार मैं 10th का हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो आप ये किताबें वहीं से लेके आए थे, यहाँ से खरीदी हैं? आके दिखाइए पेज पलट के। नहीं, मैं ये तो अपने शहर से बेतिया से चंपारण से मैंने खरीदा है। ओके, इसके अलावा कोई और दूसरी बुक्स दिखाइए। यहाँ पे आपने ये पूरा कर रखा है, क्या आपने ये पूरा पढ़ लिया है? जी हाँ, मैंने पढ़ लिया है। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से UPSC एस्पिरेंट कलर चला करके हाईलाइट करते हैं, उसके बाद तक इनको याद रहे। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो अगर चाहो तो। दूसरी बुक्स दिखाइए कोई। ये दोस्तों आप देख सकते हो भारतीय इतिहास के कुछ विषय थे, और ये भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 है, वो 1 था। दिखाइए इसमें आपने हाईलाइट नहीं किया है शायद? हाँ, इसमें भी किया है। तो लगभग ये सब आप पढ़ चुके हैं? जी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से मुखर्जी नगर में स्टूडेंट रहते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी NCERTs दिखाइए, कितनी NCERTs आपके पास यहाँ पे? टोटल हटाइए इसको दिखाइए, इसको इधर रखो। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी है, ये हटाते रहिए आप कि कौन कौन सी किताबें हैं। आप देख सकते हो इसको हटाइए, इसको ये देख सकते हो, ये सारी NCERTs हैं और ये अपने वहीं से ही ले करके आए थे। और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे तो इनका एक रैक है, यहाँ पे इनकी ये बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। ये PG से ही रैक मिलता है, ये भी NCERTs वगैरह हैं। और ये हाईलाइटर भी, ये आप पूरा पैकेट खरीद के ले आए थे क्या हाईलाइटर का? नहीं, तो नहीं, एक एक खरीद कर। कितने रुपए का एक मिलता है ये? 20 रुपये में एक आता है। तो आपने तो काफ़ी ज़्यादा खरीद रखे हैं। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे संघर्ष करते हैं, और ये शेयरिंग रूम में रहते हैं। इसका रेंट वगैरह कितना देते हैं? इसका रेंट 13,000 हम देते हैं, जिसमें से 2 आदमी हैं हम लोग। अच्छा, खाना पीना इसमें मिलता है? खाना पीना सब इसमें फ्री है, इसमें सिर्फ रहना है इसमें। ओके दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इनका रूम था, और यहाँ पे भी एक रूम है साइड में। कंडीशन इस तरीके से है, ऊपर एक पंखा वगैरह लगा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।